अनिल राजभर, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक फैन जब सेल्फी लेने के लिए पागल होता है तो वो किस हद तक पहुंच जाता है, ये बात फिलहाल सोनू निगम से बेहतर अभी आपको कोई नहीं बता सकता। दरअसल सोमवार रात चेंबूर फेस्टिवल के फिनाले में सोनू निगम परफॉर्म कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही स्टेज से नीचे आने लगे, आरोपी ने सिंगर से सेल्फी की डिमांड कर दी। फिर जब सोनू निगम ने इसके लिए मना किया तो वो भड़क गया। फिर उसने धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया, जिसमें हरि और रब्बानी दोनों को सीढ़ियों से धक्का मारा, जो सोनू निगम को बचाने के लिए आगे आए थे। इस पूरे मामले में सिंगर सोनू निगम और डीसीपी हेमराज सिंह ने क्या बताया है, हम आपको सुनाते हैं। कॉन्सर्ट करके उतरा था और वो जो आजकल आप लोग की जो सेल्फी और फोटोग्राफ का जो चला हुआ है ना, नहीं कुछ समझता नहीं, तो उसने पकड़ लिया मुझे, तो पकड़ा तो उसके बाद में उसका नाम है स्वप्निल प्रकाश वातकरेकर, वो बाद में मुझे मालूम पड़ा। उसने पकड़ लिया तो मुझे बचाने के लिए पहले हरी कहाँ है, हाँ हरी प्रकाश, पहले हरी को उसने पुश किया, तो वो वीडियो में देखेंगे राइट हैंड साइड में पहले हरी को पुश किया है। उसके बाद जब मुझे पुश किया तो मैं गिर गया, देखा होगा वीडियो में मैं नीचे गिर गया हूँ, हाँ मैं स्टेप पे गिर गया, तो मैं अगर मैं साइड में होता तो मैं गिर जाता, तो मैं स्टेप पे गिरा, तो मुझे बचाने के लिए रब्बानी आए और रब्बानी को तो उसने ऐसे पीछे किया तो उसके बच गया, वो मर जाता, वो अगर नीचे कुछ लोहा होता तो गया था वो, इसलिए बस इसलिए मैंने शिकायत दर्ज की है, इसलिए ताकि लोगों को ये थोड़ा लेकिन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि जब किसी को आप जबरदस्ती फोटो सेल्फी करते हैं तो उसके बाद में एरोगेंस और ये धक्का मुक्की। आज एक लाइव कंसर्ट के सिलसिले में सोनू निगम जी यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए आए थे, वो परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद में स्टेज से नीचे उतरते वक्त एक व्यक्ति ने उनको पकड़ा, उसको उसके बारे में ऑब्जेक्शन लेने के बाद में उस व्यक्ति ने सोनू निगम जी और उनके साथ वाले दोनों लोगों को स्टेज के स्टेप्स से नीचे उनको धक्का दिया, जिसमें दो लोग नीचे गिर पड़े, उनमें से एक को थोड़ी चोट आई। इस बारे में सोनू निगम जी की FIR यहाँ पे ली गई, IPC सेक्शन 341, 323 और 337, इसके तहत मामला दर्ज हुआ, इन्वेस्टिगेशन जारी है। स्वप्निल पातर्फेकर करके उसमें एक्यूज्ड है, एक ही एक्यूज्ड है उसमें। जी वो स्टेप से नीचे आते वक्त उनको गिरे लेकिन खुद संभले, लेकिन दोनों लोग जो थे वो नीचे गिर पड़े, उनमें से एक को चोट आई थी, हॉस्पिटल में उनको लेके गए थे। प्रिलिमिनरी इसमें मामला दर्ज है, इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन में बाकी सभी बातें, बाकी विटनेसेस के स्टेटमेंट और बाकी कानूनी काम जो है वो सभी होगा।